अच्छे से लिखा हुआ है, नेचुरल फ्लो आ रहा है कहाँ स्टार्ट है कहाँ एंड है, जब आप इसे कन्वर्ट करते रहे तो वो नेचुरल फ्लो उसका बरकरार रहना चाहिए. ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज अ फ्लो इन द लैंग्वेज. तो 80% मार्क्स आपके लैंग्वेज के होते हैं, 20% मार्क्स आपके प्रेसी के रूल्स के होते हैं, वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे 20% मार्क्स क्या होते हैं. चाहिए सबसे पहले प्रेसी, नो मैटर हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर गिवन, यू हैव टू राइट वन कंप्लीट पैराग्राफ. ठीक है, दो पैराग्राफ्स हो, तीन पैराग्राफ्स हो, आप जब प्रेसी बनाते हैं तो वो एक ही पैराग्राफ होता है. इट इज ऑलवेज इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन. आई मी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन का यूज नहीं करते, आप हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करते हैं. ठीक है, अगर आपकी प्रेसी में कभी डायरेक्ट स्पीच यूज भी हुई भी है, यू डू नॉट यूज दैट टू कन्वर्ट इट इन टू इनडायरेक्ट स्पीच. You always convert it into, these are the rules of pressing writing जो कि 20% examiner check कर रहा होता है. First one paragraph, ठीक है, जहाँ examiner ने देखा कि आपने pressing दो तीन paragraphs की बनाई है, वहीं पर आपके काम हो गया. ठीक है, third person pronoun use नहीं करना pressing में कहीं पर भी. जब हम check करते होंगे हमें, क्योंकि हम इतना लिख नहीं रहे होंगे, हमें आदत नहीं होगी first person pronoun कौन सा है, second person pronoun कौन सा है. बट एग्जामिनर के माइंड में ऑब्वियसली वो इंग्लिश के ही टीचर होंगे, तो उनके माइंड में है कि ये वर्ड यूज किया हुआ ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन या नहीं. So you have to be very careful even when you're writing your answers for any other subject, always use third person pronoun. This is a rule in academic writing in general. Chahe wo essay ho, pressy ho, composition ho, always use third person pronoun. And indirect speech, again indirect speech aapka har jagah par writing mein use hota hai. Answers mein hi answers ka direct speech use karte hain. But in academic writing jisme aapka प्रेसी आ जाता है या कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, उसमें यू यूज इन डायरेक्ट स्पीच, यू नेवर यूज डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू, दीज आर द रूल्स ऑफ प्रेसी, राइट टू डू. व्हाट आर द डोंट्स ऑफ प्रेसी, थिंग्स दैट यू डू नॉट नीड टू डू, रिपीटिशन. At times, क्योंकि प्रेसी का मकसद होता है आपको कंफ्यूज करना, आप उस कंफ्यूजन से दूर हो, तो क्या करेंगे कि एक ही आइडिया को दो तीन दफा रिपीट करेंगे. शुरू में बताना उसकी एग्जाम्पल दी, फिर फर्दर उसको और फोकस करने के लिए वो एक दफा और बनाएंगे वही सेम आइडिया इन डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट वर्ड्स. सही है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट यू आर नॉट रिपीटिंग द आइडियाज. एक्सप्लेनेशंस, जब हम प्रेसिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बता के जाओगी कि आपकी एग्जाम्पल है या एक्सप्लेनेशन है. एग्जाम्पल्स के लिए तो बहुत जनरली यूज हुआ होता है वर्ड ईजी एग्जाम्पल. ठीक है, बट इसी तरह से एक्सप्लेनेशन भी अक्सर एक पॉइंट बताते हैं उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर देते हैं पूरा डिटेल में. तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कोई एक्सप्लेनेशन ना उसकी प्रेसिंग की प्रेसिंग में लिखें ना उसकी कोई एग्जाम्पल मेंशन करें, आपको सिर्फ मेन आइडियाज लिखने होते हैं. Don't add your personal opinions. ये तो हर चीज के लिए ही है एक्सेप्ट ऐसे आप कहीं पर भी अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं देते, कॉम्पोजिशन में भी नहीं देते, प्रेसी राइटिंग में भी. यू नॉट एड योर पर्सनल ओपिनियंस. इस दफा मंटू में आया था, आई थिंक आई डिड एक्सप्लेन के मंटू में जो आया था, क्योंकि मंटू वो चीज, वो शख्सियत है जो मेजोरिटी ने पढ़ी होती है, जो इतने से पैराग्राफ में बताई गई थी उससे ज्यादा लोगों को पता होता है. ठीक है, तो अक्सर लोगों ने क्या मिस्टेक की होगी, ये अपनी पर्सनल ओपिनियन या वो बात जो प्रेसी के मैसेज में नहीं दी थी वो कहीं ना कहीं मेंशन गलती से कर दी होगी, अक्सर लोगों ने की होगी. तो प्रेसी में अगर अक्सर बहुत आसान प्रेसी भी आ जाती है तो इट इज डेंजरस एज वेल, बिकॉज देन देयर इज अ चांस दैट यू माइट ऐड समथिंग व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द मैसेज. प्रेसी एक बॉक्स की तरह है, यू हैव टू स्टे विद इन दैट बॉक्स, यू कैन नॉट मूव आउट. Okay, so do not add your personal opinions, your thoughts, or something that is not present in the passage. Okay? These are the do's and don'ts of pressy writing. Itne sahi hai. Asal mein masla aata hai language mein jo ki 80% aapka hai. Okay?
This is clear. Any questions so far to the control, sir? Yes. Explanation and examples. बेटा कोई भी point होता है, even if I am trying to explain something, if I am trying to teach something, I'll give examples, right? तो इसी तरह से in passages they whenever they put forward a idea, they further explain it by giving examples. ठीक है? For example, there are some fruits which do not have seeds. For example, banana. Strawberry. So the sentence is some fruits do not have seeds at all, for example, banana and strawberry. So example hai na, this is extra. You don't have to add examples. Kahin par exactly likha hua hota hai, for example, kahin par likha hua nahi hota itna clear. Nahi likha hua hota hai, kitna clear ki example hai kya. Like ke liye word use hota hai before adding example. Jo aap practice karenge na, aapko andaza hota rahega ki ye example hai ya explanation hai. Example hai ya actual point. These are the rules of this. Moving on to language, so 80% is there. Language at this stage, कुछ students की बेहतर होती है, but जिसकी नहीं है उसको भी कोई issue नहीं है. आपको बस अच्छा खासा time होता है to work on your language. Again, language is something. अगर हम linguistics की बात करें तो it's scientific study, right? तो इसमें भी कुछ चीजें हैं आपको जो पता होनी चाहिए. सर्टेन रूल्स अगेन लैंग्वेज के, अगर आप लोगों को पता है तो आपकी लैंग्वेज बेहतर होगी. ये बोल लैंग्वेज के रूल्स क्या है, स्टार्टिंग विद पास्ट टेंस. आपकी प्रेसी अगर प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस पर बतानी होती है. अगर प्रेजेंट टेंस में है या रूटी टेंस में है, आपको जो बनाना है पैसेज दैट वुड बी इन पास्ट टेंस. ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में आप बना ले अपनी प्रेजेंट. इसको याद रखने का एक सिंपल रूल है, जब वो पैसेज लिखा गया था उसको वो प्रेजेंट था. अब आपके पास आया है, बात करानी हो सकती है. ठीक है, मंटू की बात कर रहे थे तो वो उस वक्त जिंदा थे या नहीं थे या जो भी है. अब जब आप लिख रहे हैं तो ये पुरानी बात होगी उसका पास्ट. ठीक है, सो योर लैंग्वेज शुड ऑलवेज बी इन पास्ट टेंस. एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल्स पता है, नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ठीक है, एक्टिव वॉइस का आपका फोकस सब्जेक्ट पर होता है, पैसिव वॉइस का आपका फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है. ये एक रूल हो गया, बट इसको याद करने का आसान तरीका क्या था, वो सेंटेंसेस जिनमें बाय का वर्ड यूज होता है, दोज आर पैसिव सेंटेंसेस. ठीक है, जो भी सेंटेंसेस में ये वाला वर्ड यूज होता है वो पैसिव सेंटेंस है. यू हैव टू अवॉइड दीज सेंटेंसेस. कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर. ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ पिक्चर, दिस इज एक्टिव वॉइस का. पैसिव वॉइस क्या होगा, पिक्चर इज being drawn by me. अब इसमें एक और चीज को, ये चीज है कि 1, 2, 3 इसको भी काउंट कर दो, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो ऑटोमेटिकली जो एक्टिव से पैसिव से एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे अपनी रेसी तो आपका वर्ड काउंट भी कुछ कम हो जाए. ठीक है, सो ऑलवेज यूज एक्टिव वॉइस इन योर राइटिंग. कोशिश करके ये रूल जो है ना अपना हर राइटिंग में अप्लाई करें, एक्टिव वॉइस वाला. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करते. नेगेटिव वर्ड्स मतलब डू नॉट, डिड नॉट. नॉट के वर्ड्स जो है ना वो नहीं है. शी वॉज नॉट प्रेजेंट, इंस्टेड ऑफ सेइंग शी वॉज नॉट प्रेजेंट आप कहेंगे शी वॉज एब्सेंट. You will have to eliminate the words like not, negative words in them, to negate karte hain. Instead of saying she was not present, you say she was absent. Ek word aapka copy ho gaya. Theek hai, so you see when you apply these
एवरेज रूल आपके वर्ड काउंट वैसे ही कम होता रहता है. मेक और राइट अफर्मेटिव सेंटेंसेस. आपके अनसर्टेन वर्ड है. क्या होता है आपकी क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. अगर आपको कोई नंबर की देना है तो एग्जैक्ट नंबर लिखो, अवॉइड करेंगे वाली चीजें, ठीक है. इससे आपका क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है. सामने वाले को नहीं पता आप दो लोगों की बात कर रहे हो या 50 लोगों की. मैनी मैनी कैन मीन अगेन 2, 8, 2500 जितने भी. मैनी कैन मीन एनीथिंग, इट्स रिलेटिव. इसकी आप ये वाली टर्मिनोलॉजी, ये वाले वर्ड्स की जिनसे क्लियर ना हो, यू नॉट यूज दीज वर्ड्स. कंडीशनल सेंटेंसेस. कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? नॉट यूज कंडीशनल सेंटेंसेस. दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू. दीज आर द थिंग्स दैट यू नॉट यूज. कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं आपके इफ एंड देन वाले. अगर ये हुआ तो ये हो, अगर ये हुआ तो ये होगा, अगर और तो वाला, ठीक है. इफ एंड देन. प्रेसी राइटिंग में ऐसे में तो ये बहुत अच्छे होते हैं सेंटेंसेस यू हैव टू यूज, बट प्रेसी राइटिंग में यू आर नॉट सपोज टू यूज इफ एंड देन सेंटेंसेस. इफ द टीचर कम्स द क्लास विल हैपन, ठीक है. इफ द टीचर इज एब्सेंट एंड अदर टीचर विल बी प्रेजेंट. इस तरह के आपको सेंटेंसेस इफ एंड देन वाले सेंटेंसेस यू आर सपोज टू अवॉइड, और यू आर सपोज टू यूज दीज कंडीशनल सेंटेंसेस. वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये विजिबल है. इज इट विजिबल? ये बहुत अच्छी है. वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यू यूज वन वर्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स. वो स्टूडेंट कहां गए थे उन्होंने मुझसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था. दिस डे आई थिंक समबडी आस्क्ड मी दिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थिंग. फॉर एग्जांपल आपको एक लिस्ट दी हुई है, टूल्स की एक लिस्ट दी हुई है कि आई लाइक एप्पल्स, या हम कह दें कि देर आर एप्पल्स ऑरेंजेस बनानास मैंगोज ऑन द टेबल, ठीक है. देर आर एप्पल्स मैंगोज बनानास ऑरेंजेस ऑन द टेबल. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द लिस्ट ऑफ फ्रूट्स यू यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आप लगा दें फ्रूट्स, देर आर फ्रूट्स ऑन द टेबल, ठीक है. इससे आपका वर्ड काउंट कम हो जाता है. तो जहां आपको लिस्ट कोई इशू है, कुछ इशू हो तो प्लीज स्टॉप इन बिटवीन एंड आस्क मी. जब आगे बढ़ाओगे तो फिर वापस आना मुश्किल होता है. सो इफ देयर इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स जिनको आप जिंदगी आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, वो आप यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल इज द पीपल बिलीव इन वन गॉड, ठीक है. द पीपल बिलीव इन वन गॉड, ये डेफिनेशन है किसकी? मोनोथीस्ट की, जो एक खुदा पर यकीन करता है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द पीपल, दीज वर द पीपल हु बिलीव इन वन गॉड, व्हिच इज दे वर मोनोथीस्ट, ठीक है. तो अक्सर आपको किसी वर्ड की डेफिनेशन पता हो तो आप बोल सकते हो वर्ड पता हो, ये डेफिनेशन दी हुई है, आप वर्ड उसको सब्स्टिट्यूट करते हो. लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट पंक्चुएशन. कहाँ सेंटेंस एंड एंड करना है, कहाँ पर आपका कॉमा आएगा. पंक्चुएशन की मैंने पूरी क्लास की थी यहाँ पर, ठीक है. तो पंक्चुएशन का बहुत ख्याल रखना है. कैपिटल्स कहाँ पर आ रहे हैं, कैपिटल लेटर्स कहाँ नहीं आ रहे. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर लैंग्वेज. जो इससे पहले बताया कि वो प्रेसी के रूल्स हैं एंड दीज आर योर लैंग्वेज. बेटा मैंने रूल एज अ पास्ट टेंस का पढ़ा है और मैंने पास्ट टेंस में ही एग्जाम में भी की थी. सो आई एम शेयरिंग माय
opinion, plus I'm teaching from the point of view of a linguist, okay? From the point of view of a teacher. Because I have been teaching academic English or essay writing in Patna University. ये तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ. नाउ इट्स अप टू यू, आपको मेरा काम है यहाँ पर आकर वो पढ़ाना, वो नॉलेज देना जो मैं यूज कर चुकी हूँ या जो मुझे बताया. ऑब्वियसली उन्होंने भी लिखा है तो वो भी पास करके ही आए, ठीक है. तो नाउ इट्स अप टू यू, यू यूज योर माइंड और आप देखें आपको क्या बेहतर लगे, ठीक है. दिस इज व्हाट आई डू. These are the rules of your Prezi as well as language. ठीक है? Any issue, any questions regarding these? Rules वगैरह समझ में आ गए सब? Moving on to Prezi writing. ठीक है? अच्छा Prezi writing में जो get the passage with you in front of you. पहला step क्या होता है Prezi writing? What did you all use to? या जब प्रैक्टिस करते हो सबसे पहले क्या करते हैं ऐसी राइटिंग आपके पास आती है? सॉरी हेडर और फुटर होते कहाँ हैं प्रेसी में? अच्छा यू मीन टू से इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस. ओके ठीक है, यू गेट एन आइडिया. व्हेन यू गेट द प्रेसी सबसे पहले तो आपको वो पढ़नी है ऑब्वियसली मूवी. You need to see if it is making. पहली रीडिंग के बाद ना आपके ठीक है इस बार जो भी आपके माइंड में चीजें आती है दो तीन पॉइंट्स इसके पास रफ में लिखते हैं उनमें से ही कोई एक आपका टाइटल बनता है टुवर्ड्स दी एंड रफ में लिखा आपके पास. अच्छा प्रेसी राइटिंग का एक जनरल रूल है आपको जो भी पैसेज दिया जाएगा उसमें मिनिमम 9 आइडियाज होंगे मैक्सिमम 11 आइडियाज होंगे, ठीक है. डिफरेंट आइडियाज आपको एक एग्जाम्पल का पूछा था एग्जाम्पल का बना इसके अलावा जितनी भी बातें होंगी ना वो आपकी एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन होंगी जो आपके काम की नहीं है. तो मैंने प्रेसी मैसेज कम्स इन फ्रंट ऑफ यू देयर वुड बी आई फ्रॉम 9 टू 11 डिफरेंट आइडियाज. अब जब आप प्रेसी रीड करना स्टार्ट करें यू नीड टू कीप अ पेंसिल इन योर हैंड एंड यू हैव टू स्टार्ट मार्क क्या करना है आइडिया. जब आप रीड करने लगे पहले तो आपके माइंड में होना चाहिए कि इतने होंगे आइडिया. अब व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग तो आपको जहां लग रहा है ना कि दिस इज अ न्यू आइडिया अंडरलाइन दैट सेंटेंस. जहां आपको लग रहा है ना कि ये आइडिया चेंज हुआ है कोई और नई बात की है अंडरलाइन दैट. आगे बढ़ते जाए अंडरलाइन करते जाए जो आपको लग रहा है कि नई चीज है. टुवर्ड्स द एंड इस रेंज में आपके पास सेंटेंसेस अंडरलाइन होने चाहिए. अगर इस रेंज में सेंटेंसेस अंडरलाइन नहीं है इससे ज्यादा आइडियाज है इट मींस यू आर एडिंग समथिंग Once you have underlined the sentences, the ideas, and you have 9 to 10 sentences, आपको बनाना है अपना first draft. अच्छा, ये first draft जो है ना आपको अपने pen में बनाना होता है garden draft. I mean आपको अक्सर हम rough word जो है ना copy के end में करते हैं, ये आपको शुरू में ही करना है. You start with your first draft. When you're sure that you have extracted enough ideas, जितने भी ideas आप extract कर लिए हैं, तो आप तो first draft की heading डालते हो, pencil से जो भी आप मैं अपना first draft pencil से बनाती हूँ, because it is easier to erase and correct. यहाँ पर you start writing those ideas, 1, 2, 3 in sentence form. ठीक है? यहाँ पर sentence form में मगर the thing that you need to keep in mind, यहाँ पर आप exact sentences copy paste नहीं करते. Not copy and paste your exact sentences. What you do is, you read the idea. एक sentence आपने पढ़ा, उसे अपने own words में convert करें, उसे अपने own words में change करें, जैसे हम कहते हैं ना pressing के rules apply करें basically यहाँ पर और उस sentence को लिखें. अभी ये फिकर नहीं करें कि word count बढ़ रहा है ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर आपको उसकी फिकर नहीं करनी. वैसे आप pressing के rules language के rules apply करेंगे तो आपका word count वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक है.
आपने आइडिया पढ़ा, मतलब आपने प्रेसिंग के रूल अप्लाई करके एक सेंटेंस लिख दिया। सिमिलरली सेकंड आइडिया आ गया, थर्ड आइडिया, तरह से 8-9 आइडियाज आपके पास आ गए। आपने प्योरली अपना बता लियो व्हाट आई यूज्ड टू डू और व्हाट आई डिड इन एग्जाम। यहां पर जब मेरा फर्स्ट ड्राफ्ट पेंसिल से बन जाता था 8-9 सेंटेंसेस आ जाते थे, तो इस टाइम पे आई वुड स्टार्ट काउंटिंग माय वर्ड्स। जब एक दफा बना लिया टू गेट अ रफ आइडिया, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 100 वर्ड की प्रेसी बनानी है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे हो रहे हैं लेट्स से 90 वर्ड्स, व्हिच मींस आई हैव अ मार्जिन ऑफ 10 वर्ड्स, 10 टू 15 वर्ड्स प्लस माइनस 5 का होता है एक मार्जिन ना, व्हिच मींस आई हैव 10 टू 15 वर्ड्स जिनसे मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। बट इफ आई ऑलरेडी हैव 100 वर्ड्स हियर, दिस इज अ प्रॉब्लम। It is not a problem that you cannot solve, but this is the stage where you start editing it. यानी आपका word count ज़्यादा है, आपको वापस से in that you have to go through these sentences and try to reduce your words here. देखें और कहाँ पर active voice से passive voice active voice में change हो सकता है। कोई sentence आप और उसको simple कर सकते हैं, sentence structures पढ़े हुए, simple sentence complex sentence। नहीं तो कोई दफा देख लेना, या मैं बता दूँगी है कहीं किसी class में। तो आपको देखा है कि कोई सेंटेंस और सिंपल हो सकता है, कोई एक्स्ट्रा वर्ड है जिसे आप कम कर सकते हो, या आप ऑल टुगेदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दो, सेंटेंस चेंज कर दो जस्ट टू रिड्यूस द वर्ड काउंट, ठीक है। यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत आप कोशिश करो आस पास थोड़ा मार्जिन लड़िए, यहाँ पर आपके एग्जैक्ट परफेक्ट वर्ड काउंट पर थोड़ा बहुत अधिक है। जब आपको वर्ड काउंट जो है यहाँ पर फर्स्ट ड्राफ्ट में थोड़ा बेहतर हो जाए, तो फिर आप आ जाते हो अपने सेकंड ड्राफ्ट पे, विच इज योर फाइनल ड्राफ्ट एज वेल, बस सेकंड ड्राफ्ट इसे कहते हैं, सेकंड ड्राफ्ट ड्राफ्ट, ठीक है। अगेन ये नेक्स्ट पेज पे होगा बट फ्रंट साइड पर ही होगा। सेकंड ड्राफ्ट में यू विल स्टार्ट जॉइनिंग दी सेंटेंसेस टू मेक इट वन पैराग्राफ। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज चेक की जाएगी कि आपने किस तरह से सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, आर दे मेकिंग सेंस, फ्लूइडिटी आ रही है कि नहीं, एक फ्लो जो जैसे मैंने कहा रहा वो आ रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा एक आइडिया करने से भी आ रहा है, दूसरा कहीं से भी शुरू हो रहा है, ठीक है। एट टाइम्स इन ऑर्डर टू मेक दैट फ्लो, इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट फ्लो, आपको सेंटेंस का वो भी चेंज करनी पड़ती है, पोजिशन भी। अक्सर ऐसा होता है कि ये भी पोजिशन चलती है जो वहाँ पर यूज की हुई होती है, बट एट टाइम्स बहुत कम ऐसा होता है, बट ऐसा होता है कि आपको फर्स्ट सेंटेंस पहले लिख दिया, फिर हो सकता है फोर्थ और फर्स्ट सेंटेंस आपकी सिमिलर हो आइडिया, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंसेस आइडिया सेम आइडिया नहीं होंगे बट सिमिलर होंगे, तो यू कैन जॉइन टू सेंटेंसेस एंड मेक वन सेंटेंस। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू हियर इन योर फाइनल इन योर सेकंड ड्राफ्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज वेयर यू स्टार्ट जॉइनिंग योर सेंटेंसेस, यू सी व्हिच टू और थ्री जॉइंड सेंटेंसेस कैन बी जॉइंड इनटू वन, और which sentence can come in first or last, right? This is your second draft, but this is again not your final draft, you're not your final pressing. यहाँ पर जब आप पूरा draft बनाने के बाद word count देखेंगे अपने, कम है, ज़्यादा है, क्या है, क्या नहीं है। यहाँ पर मैंने ये pen से किया था, ठीक है, जो भी निकालता है, और फिर इसमें जो मुझे changes भी, इसमें भी आपकी changes होंगी। कहीं पर आपने लिख दिया and, कहीं पर आपको लग रहा है कि एंड की जगह हम तीन से तीन इसको कॉमा से जॉइन कर सकते हैं तीन आइडियाज को, तो लिखने के बाद आपको अंदाजा होगा। तो यहाँ पर भी आपकी एडिटिंग होगी, कहीं कैंसिल होगा, कहीं कुछ होगा, बेसिकली ये दोनों आपके रफ वर्ड के जो आप प्रेयर में हो रहे हैं। जब ये भी हो जाएगा आपका वर्ड काउंट ऑलमोस्ट बराबर बराबर है, अब आपके पास यहाँ पर वर्ड काउंट 2-3 का मार्जिन होना चाहिए। अगर आपका वर्ड काउंट 5 का कम है तो आप टाइटल अगर आपके लेंथ से 95 वर्ड हो रहे हैं, टोटल आपके 100 वर्ड हो रहे हैं, तो फिर आप अपना 4 या 5 वर्ड का टाइटल बना लें, क्योंकि टाइटल की वर्ड्स काउंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि टाइटल की वर्ड्स आपके प्रेसी में काउंट होते हैं, तो टाइटल को अपने स्ट्रेंथ बना के उसको यूज इस तरह से करेंगे, अगर वर्ड काउंट पूरा नहीं हो रहा या ज़्यादा हो रहा है तो उसे उस हिसाब से मोल्ड करते हैं। पर टाइटल आपका
टाइटल के कुछ रूल्स हैं, टाइटल इज नेवर अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है? टाइटल आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, ये हेडिंग होती है, हेडिंग आपकी कभी भी कंप्लीट सेंटेंस में नहीं होती, इट इज अ फ्रेज। सेकेंडली, पांच वर्ड से ज्यादा की टाइटल में, पांच वर्ड से ज्यादा का टाइटल नहीं होना, पांच वर्ड से ज्यादा का आप टाइटल नहीं बनाओगे, वो भी सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है? दीज आर द टू रूल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट टाइटल। एनी क्वेश्चंस? दीज आर द रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्वड इन मेकिंग अ प्रेसी, ठीक है? अब होता ये है कि आपको, अभी मैंने रूल्स बताए, आपने पूछूंगी तो आपको याद नहीं होते, आपको करना ये है, ये रूल्स आप अपने पास लिख लिए हैं, जब भी आप प्रेसी बनाए ये रूल्स अपने बराबर में रखें, कॉन्शियसली दो तीन दफा प्रेसी सॉल्व करें, उसको चेक करना है, ठीक है? उसको मसाज रख के सॉल्व करेंगे ना तो वो रूल्स आपको इनहेरिटली याद होते रहेंगे। जब इतनी प्रैक्टिस आप कर लेंगे कि आपको ये रूल्स आपकी जबान पर बस याद रहना है आपको, तो फिर इसके बाद आपको इन रूल्स की जरूरत नहीं होगी, आपको सामने रखने की जरूरत नहीं होगी। एक टाइम आएगा कि आपको पता होगा कि दी ज्यादा थिंग्स आर यू नीड टू एलिमिनेट, दी ज्यादा थिंग्स आर यू नीड टू डू एंड दी ज्यादा थिंग्स आर यू नीड टू अवॉइड, ठीक है? फिर शुरू में दो तीन दफा प्रेसी बनाते हैं, ये रूल्स माइंड में रखे, साथ रखे और भी बनाए, बट आहिस्ता आहिस्ता इन रूल्स को साइड में रखते जाए, ठीक है? अच्छा, तो आज का मैंने ये रखा था कि वी विल बी डिस्कसिंग दिस प्रेसी एंड देन सॉल्व अ प्रेसी इन क्लास, जिस पर आप लोगों क्लास में ही फीडबैक होगी। I asked you all to bring a Prezi 2020 game. Do you all have that Prezi 2020 game? Beta, kiski paas nahi hai? I think you all can share. You do not have. Kya internet pe jaakar abhi download kar le, bol rahe thakenge. Kyunki sab ek hi Prezi karenge, to solve karne mein ye hoga ki aapko koi ek dusre ki mistake se bhi pata chale. किसी एक का सही क्या होगा, किसी एक का गलत क्या होगा। 2020 की प्रेसी, कैन यू शो मी द प्रेसी फॉर अ मिनट? ग्रेट, थैंक यू। वंटो वाज अ विक्टिम ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सप्लोजन एक्सपीरियंस। देयर आर टू पैराग्राफ्स ऑन वंटो एंड यू हैव टू राइट प्रेसी इन वन पैराग्राफ, ठीक है? ये रूल्स जो आपने सामने रखे हैं, इन रूल्स को अप्लाई कर, और सबसे पहले मेन आइडिया सुनिए। अब क्योंकि आपके पास मोबाइल में है, आप अंडरलाइन नहीं कर सकते, तो मेन आइडिया अपने कॉपी में लिखना फर्स्ट ड्राफ्ट के तौर पर, ठीक है? और पर जब आप नेक्स्ट टाइम प्रेसी अपनी सॉल्व करें तो टाइम जरूर नोट कीजिएगा, यू शुड नॉट बी टेकिंग मोर देन 45 मिनट्स फॉर अ प्रेसी। इससे कम ले रहे हैं और प्रेसी सही करने तो बहुत अच्छी बात है, बट 45 मिनट से ज़्यादा प्रेसी का टाइम मत लीजिएगा, ठीक है? Start with underlining or identifying the main ideas. Meanwhile, if anybody has something for me to check, essay वगैरह और, तो मुझे दे दें, मैं भी उस पर review check करके आपको दे दूँगी, ठीक है?
all have written something, your essay, pressy, or any other answer, and you want me to check those, please give it. अभी मुझे दे दें, मैं यहीं पर ही आपकी क्या? So I have these essay that I need to check. इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ check करवाना है, now is the time. आपको जो दे रहे हैं प्रेसी में आपकी चेक करती हूँ।